होता ये है कि आप मान लीजिए शादी से रिलेटेड किसी को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मैं बहुत ज़बरदस्त रेमेडी देने वाला हूँ अभी आप लोगों को। शादी से लेकर के प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आपने उनके कौन से जोन को देखना है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले आपने अपने क्लाइंट का ईस्ट का जोन देखना है। अगर आपका क्लाइंट कहता है कि सर बेटे की शादी हमें करनी है, रिश्ते आते ही नहीं हैं, या बिटिया की शादी करनी है, रिश्ते आ ही नहीं रहे हैं, तो आपने उनके ईस्ट के जोन को देखना। ये कौन सा जोन है? सोशल का जोन है, जो समाज के साथ जोड़ने का जोन है। वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ एंटी एलिमेंट मिल जाएगा, या तो टॉयलेट होगा, या तो स्टोर रूम होगा, या तो उनके घर में किचन होगा, या नहीं होगा तो वहाँ पर वाइट कलर का उन्होंने पेंट रखा होगा। उसके बाद रिश्ता आ रहा है मगर जुड़ नहीं रहा है, तो आपने कौन सा जोन देखना है? साउथ ईस्ट का जोन। साउथ ईस्ट में भी कुछ एंटी एलिमेंट आ जाएगा, या तो स्टोर रूम होगा, या तो टॉयलेट होगा, या उन्होंने वहाँ पर ब्लू कलर करा रखा होगा। फिर वो कह रहे हैं कि रिश्ता भी आता है, आ भी रहा है, जुड़ भी रहा है, मगर लास्ट मोमेंट में जो रिश्ता है वो टूट जा रहा है, तब आपने कौन सा जोन देखना है? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट का जो जोन होता है वो संबंधों को जोड़ने का जोन होता है। मैंने आप लोगों को कई बार बताया है, साउथ वेस्ट जो है वो संबंधों को जोड़ने का जोन होता है, और इसे हम पितरों का जोन भी मानते हैं। तो वहाँ पर आपने करना क्या है? रिश्ता आ भी रहा है, जुड़ भी, बात भी फाइनल हो रही है, मगर लास्ट मोमेंट में रिश्ता अगर कट ऑफ हो जा रहा है, नहीं बन पा रही है बात, तो ऐसी सिचुएशंस में आपने क्या करना है? क्लाइंट के घर में साउथ वेस्ट की डायरेक्शन पे आपने एक पितरों की फोटो लगवानी है, दूसरा आपने एक लव बोर्ड लगवाना है, तीसरा काम आप ये करेंगे उनको यह रुद्राक्ष दे देंगे। ये रुद्राक्ष देने से उसकी लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर आप ये दो रुद्राक्ष दे देंगे, दो रुद्राक्ष देने से उसकी एनर्जी इन्हेंस हो जाएगी और जो दिक्कतें आ रही है वो ऑलमोस्ट सॉल्व हो जाएंगी। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, आप लोगों के पास भी आएंगे, ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, हमने उस एस्ट्रोलॉजर को दिखाया, उसने बताया बिटिया में मांगलिक दोष है, काल सर्प दोष है, पितृ दोष है, हमने पूजा भी करा ली, अनुष्ठान भी करा लिया, सारे नियम कानून जो जो उन्होंने बताया सब करके देख लिए, फिर भी रिश्ता नहीं लग पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपके ना आँख बंद करके जो मैं आपको रेमेडीज दे रहा हूँ वो कर लो, 45 दिन के अंदर में आपकी व्यवस्था बन जाएगी। बात समझ में आ गई? अब ये काम कैसे करता है मैं आपको दो तीन एग्जाम्पल्स देता हूँ। मेरे क्लाइंट हैं मिस्टर शर्मा, जो नागपुर में रहते हैं, उन्होंने यूट्यूब में एक वीडियो देखी, उन्होंने फ़ोन किया, सर मेरे बेटे की प्रॉब्लम्स ऐसी ऐसी है, मेरा बेटा जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और काफ़ी अच्छा है, ग्रूम है, स्टाइलिश है, मॉडलिस्ट है, मतलब बेटे में कहीं कोई कमी नहीं है, मगर जब भी मैं रिश्ता करने जाता हूँ और लड़की वाले के घर में फाइनल मैं करता हूँ तो या तो मेरे घर में किसी की तबीयत बिगड़ जाती है, जब हम इंगेजमेंट की बात आगे बढ़ाते हैं तो या तो उसके घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो सर समझ में नहीं आ रहा है, एक बार तो उन्होंने ये कहा कि हमने एंगेजमेंट की डेट फाइनल कर दी और लड़की की जो दादी थी वो अचानक से एक्सपायर हो गई तो हमें उस एंगेजमेंट को पोस्टपोन करना पड़ा। तो समझ में नहीं आ रहा सर मैं क्या करूं। मैंने कहा आप डेट ऑफ बर्थ भेजिए। जब मैंने डेट ऑफ बर्थ देखी तो उसकी डेट ऑफ बर्थ में 2, 5 और 3, ये बहुत ध्यान से समझना, 2 नंबर, 5 नंबर और 3 नंबर, अगर ये तीनों नंबर मिसिंग है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली है। अगर इन तीनों नंबर्स में कोई भी एक नंबर मिसिंग है, 2, 5 और 3, तो शादी डिले होगी, शादी होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी मगर डिले होगी। अब उन्होंने कहा सर आप बताइए अब क्या ऑप्शन है, 5 नंबर तो हम ला नहीं सकते जो जो नंबर मिसिंग है। मैंने कहा एक काम करिए, आप ये दो रुद्राक्ष जो आपने वीडियो देखी है वो दो रुद्राक्ष आप ले लीजिए, 1100 रुपये का एक आएगा, आपको 2200 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, आपका काम हो जाएगा। और मैंने साउथ वेस्ट में उनके घर में एक लव बर्ड लगवाया, पितरों की फोटो लगवाई, ईस्ट की डायरेक्शन पे मैंने एक हरे रंग का बल्ब लगाया ताकि कोई प्रॉब्लम्स ना आए, और मैंने उनको एक रेमेडी दी, वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि वो रेमेडी बहुत स्पेशल रेमेडी है, वो रेमेडी मैंने दी। मैंने कहा आप करो मुझे 45 दिन के अंदर में आप अपडेट देना। हुआ ये कि 30 दिन के बाद उनका फ़ोन आया, बोले सर फाइनल सब कुछ हो गया है, फाइनल अब हम इंगेजमेंट की डेट भी हमारे फिक्स हो चुकी है और इस डेट को इंगेजमेंट है, आप एक बार ब्लेसिंग देना, देख लेना, व्यवस्था कोई बिगड़े मत। मैंने कहा आप निश्चिंत रहिए आपका काम हो जाएगा। 2 महीने के बाद उनकी इंगेजमेंट हो गई, उन्होंने फ़ोन किया, बोले सर शादी की डेट भी हमने फाइनल कर दी है, इस डेट को शादी है। तो ये रुद्राक्ष इतना ज़बरदस्त काम करता है,
क्योंकि इसके अंदर जो हम इसे मंत्र जब से एक्टिव करके देते हैं, जिस व्यक्ति के नाम से आपने लेना है, आप चाहें तो आप हमारे डिवाइन स्टोर से ले सकते हैं। आपको डेट ऑफ बर्थ नाम देना होगा जिसके लिए आप रुद्राक्ष लेना चाह रहे हैं, उसके नाम से हम उसे एक्टिव करके देंगे और रुद्राक्ष पहनने के बाद 45 डेज के अंदर में व्यवस्था कहीं ना कहीं से बन जाएगी। हम ऐसा नहीं कहते कि शादी हो जाएगी, मगर हाँ शादी लग जाएगी इसकी गारंटी है। अब शादी 6 महीने बाद हो, 8 महीने बाद हो, कुछ भी हो नहीं बोल सकते, मगर ये है कि रिश्ता जो है वो फाइनल पक्का हो जाएगा। एक केस मैं आपको और बताता हूँ, हमारे यहीं पे एक मिस्टर मिश्रा करके हैं, उन्होंने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर से दिखाया, फाइनली उनकी बिटिया के साथ ये प्रॉब्लम आ रही थी कि लड़के आते फाइनल होता सब कुछ हो जाता, लास्ट मोमेंट में बिटिया मना कर देती कि मुझे शादी नहीं करनी। वो बहुत परेशान हुए, मैं क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आता। मैंने कहा ठीक है आप उसका डेट ऑफ बर्थ भेजिए। जब उसका डेट ऑफ बर्थ मैंने देखा तो जो वो बिटिया थी वो साउथ ईस्ट की जोन पे सो रही थी, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। मैंने कहा सबसे पहले तो आप अपनी बिटिया का जोन है वो चेंज करिए, आप उसे नॉर्थ वेस्ट में सुलाइए और 2 रुद्राक्ष उसे पहना दीजिए, आप जिस लड़के से बोलेंगे ना वो उससे शादी करेगी। उसके दिमाग में जब मैंने उसकी डेट ऑफ बर्थ देखी थी तो मुझे ये दिखा था कि उसका किसी लड़के के साथ अफेयर चल रहा था, फिर वो लड़का भी उतना कंफर्टेबल नहीं था। अगर होता तो मैं उनकी फैमिली को बोल देता कि आप इसकी शादी इससे करवा दीजिए, ज़्यादा अच्छा है, परंतु ऐसा कुछ नहीं था। तो मैंने कहा ठीक है, पहनाने के बाद साउथ वेस्ट में मैंने जो जोन बताया वहाँ पे मैंने ये रेमेडीज़ करवाई। 2 पहनाने के बाद उस लड़की ने ऑटोमेटिकली अपने पापा से कहा कि पापा 2 महीने पहले जो लड़का आया था रिश्ता, उससे वो लड़का मुझे उस समय पसंद था, मुझे उससे शादी करनी है। उनका मुझे फ़ोन आया कि सर अचानक से ऐसा क्या हो गया, रुद्राक्ष धारण करने के 15 दिन के बाद में मेरी बिटिया शादी के लिए रेडी हो गई। मैंने कहा बिल्कुल अब शादी करवा दीजिए। तो इस तरीके से ये रेमेडीज़ जो है वो काम करती है। एक और एग्जांपल देता हूँ, एक लड़का जस्ट हमारे आप लोगों के जैसा ही वो भी है जो वास्तु सीखने आया था, उसके साथ प्रॉब्लम्स ये हो रही थी कि उसके घर में रिश्ता ही नहीं आ रहा था, आ ही नहीं रहा था, काफ़ी एज हो गई, उसके मम्मी पापा बहुत परेशान, पैसे से भी वो काफ़ी संपन्न थे, ऐसा नहीं था कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से हो, काफ़ी रिच फैमिली से थे, मगर रिश्ता ही नहीं आता था। वो एक ही चीज़ कहते थे कि हमारे समाज में हमारे बेटे के लिए वैसी लड़की है ही नहीं। तो कारण ये हो रहा था, मैं जब उनको बताया कि आपके घर में इस डायरेक्शन पे ये चीज़ होगी आंटी आप देखिए, उन्होंने बताया कि हाँ सर हमारे ईस्ट के डायरेक्शन पे टॉयलेट है। मैंने उस टॉयलेट के जोन को बैलेंस करवाया और मैंने कहा कि बेटा ये 2 रुद्राक्ष तू पहन ले, उसके बाद तू मुझे बताना। 2 रुद्राक्ष जब मैंने उसे पहनाया, पहनाने के बाद ऑटोमेटिकली एक ऐसा रिश्ता आया जो उनके कम्फर्टेबल जोन का था। उसकी मम्मी ने मुझे फ़ोन करके बोला कि सर अभी तक जितने भी रिश्ते आ रहे थे वो सारे के सारे हमसे लोअर कैटेगरी के आ रहे थे, मतलब लोअर कैटेगरी मतलब कह सकते हैं कि हमारे कंफर्टेबल जोन के नहीं थे, मतलब हमारे जो होता ना कि एक कंफर्टेबल जोन के नहीं थे। तो अब जो रिश्ता लड़की का आया है वो हमारे से कंफर्टेबल से ऊपर है, मतलब हमसे ज़्यादा रिच है, लड़की पढ़ी है, बहुत अच्छी है, खूबसूरत है, मैं आपको फोटो शेयर करती हूँ। मैंने कहा भेज दीजिए। जब मैंने उसकी दोनों की डेट ऑफ बर्थ मैच करी, मैंने कहा आँख बंद करके आप शादी कर दो, तो उसकी मम्मी ने कहा कि सर जवाबदारी आपकी है, आप कैसे शादी करवाएंगे। मैंने कहा शादी मैं नहीं करवाऊंगा, मैं आपको रेमेडीज़ दे दूंगा। तो मैंने इस तरीके से रेमेडीज़ दी, 3 से 4 महीने के अंदर में उस लड़की की शादी फाइनल हो गई। जो 6 साल से 7 साल से उनके घर में रिश्ता ही नहीं आ रहा था, इस रिश्ते को उसने जोड़ दिया। एक दो चीज़ें मैं और बताऊंगा, कभी भी घर में शादी के पुराने कार्ड ना रखें, उन्हें आप जब उनका जब डेट निकल जाए तो आप उसे घर से रिलीज एंड लेट गो कर दें, उसे घर से बाहर कर दें। दूसरा आपने ये करना है कि जिसकी भी शादी नहीं हो रही है उसे शादी का लड्डू कभी खाने ना दें। शादी का लड्डू इन द सेंस जैसे कि शादी की पार्टीज में वो खा सकते हैं, लड्डू इन द सेंस ये होता है कि जब किसी के घर में शादी होती है तो उनके घर में शादी का भेजा जाता है, रिटर्न गिफ्ट समथिंग कुछ दिया जाता है, तो वो बिटिया या बेटा शादी के लड्डू ना खाएं और कोशिश करें कि अपने हाथ में येलो कलर का धागा, अपने हाथ में येलो कलर का धागा वो बांध के रखे और नहाने के पानी में हल्दी डाल के नहाए। इससे भी इनके जो मंगल के दोष हैं, जो मंगल ग्रह है वो मजबूत होगा और मांगलिक कार्य जो होने वो बहुत ही जल्दी आसानी से संपन्न होंगे। तो आप ये सारी रेमेडीज़ कर सकते हैं। रेमेडीज़ करने के बाद आप ये रुद्राक्ष अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे डिवाइन शॉप से ले सकते हैं, आपको 1100 रुपये में इजिली अवेलेबल हो जाएगा। और किसी का कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ ले, नहीं तो मैं नेक्स्ट टॉपिक में आऊँगा कि रिलेशनशिप को हम कैसे अच्छा बनाएं। यहाँ तक क्लियर है? चलिए
हम नेक्स्ट टॉपिक में आ जाते हैं। किसी को पूछना है तो पूछ लीजिए, किसी को डाउट है।